सलून, हाँ 2 साल मैंने अपने 10 साल मैंने अपने सलून चलाए दुबई में और बहुत अच्छे चल रहे थे। मैं हैंडा भी अपना बनाती थी हार वाला, और शहनाज हुसैन का डिप्लोमा है मेरे पास, बहुत सारे मरियम जमीन के भी सेलिब्रिटीज कोर्स हो गया, मैं जब आती थी करती थी। और मेरा शौक था कि मैं अपना सलून खोलूँ, तो हस्बैंड को बोला हाँ कर लो, क्योंकि उनका अपना बिजनेस था, उनको तो कोई वो नहीं था मेरे से, तुमको जो करना है करो। बहुत मतलब लविंग केयरिंग हस्बैंड थे, बहुत ही ध्यान रखने वाले, तो उन्होंने कहा कर सकती हो। तो मैंने फिर अपना पार्लर खोले, लेकिन 10 साल के बाद मैंने बंद कर दिए, क्योंकि बच्चों को भी टाइम नहीं दे सकती। मेरे दोनों बच्चे वहीं पैदा हुए, 34 ईयर्स मुझे हुए दुबई में रह के, तो बच्चे भी वहीं पैदा हुए, तो बच्चों के लिए मैंने सलून छोड़ दिया। और फिर उसके बाद में मैंने 1 साल घर में बैठी, मेरे जैसी औरत घर में नहीं बैठ सकती है, उसको कुछ ना कुछ खोलने चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मिस्टर गनी फातमी गनी मेरे अपलाइन है, उन्होंने मुझे कहा ऑफिस में जाओ और तुम सिर्फ देखो क्या है। और मेरे अपलाइन मेरे भाई को उन्होंने बोला, मेरे भाई ने कहा ये मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं आपको एक अच्छी लेडी देता हूँ वो कर सकती है, तो उसको मालूम था मैं कर सकती हूँ, तो उसने मेरा नाम दिया। तो फातमी गनी ने कहा जाओ आप ऑफिस में जाके देखो। तो जब मैं ऑफिस में गई, एक कदम रखा अपना, तो पड़ोस देख के मुझे लगा मैं यहाँ से औरतों की हेल्प कर सकती हूँ। बस मुझे बहुत शौक था सब औरतों को बाहर निकालू, घर से बाहर निकलना मतलब ये नहीं, लोग बोलते घर से बाहर निकलने की क्या बात कर रहे हो, घर से बाहर निकलना नहीं, बाहर निकल के कुछ काम करे, अपने पैरों पे खड़े रहे, अपने लिए कुछ करे, अपने लिए कुछ सोचे। तो आज तक इतना क्राउड मुझे यूपी में जो देखने मिल रहा है, तो उसमें से 90% लेडीज है, 90% लेडीज जो हमारी इंडिया में काम कर रही है, और लोग इसको आगे चला रहे, लोग इसको बता रहे, सारे लोग यूट्यूब में मेरी वीडियो देखते हैं। यहाँ से कितने लोग देखते हैं यूट्यूब में? बहुत लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, उसी से अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने ये काम करना शुरू किया। उसी वक्त उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड को ये हुआ बाईपास हो गया, तो थोड़ा उनका बिजनेस संभालने लगे, इससे वो लोग खाते थे, मैं बिजनेस नहीं करती थी, लेकिन बाद में भी बिजनेस करने लगी। स्टार एजेंट नहीं हुई थी और मुझे स्पीकर बनाया गया, क्योंकि साबुन वगैरह का हमारे कंपनी में किसी को मालूम नहीं था, मैं ही करके दिखाना शुरू कर दी, मैं ही हाथ चलाना शुरू की, तो बोले कि नहीं आप स्पीकर बन जाए, तो मुझे इधर उधर भेजना शुरू कर दिया। 2011 में 13 ईयर्स हो गए, हस्बैंड का देहांत हो गया, वो हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ देते गए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं देते तो मैं शायद आज आप लोगों के सामने या दुनिया में घूमती नहीं। 26 से ज्यादा कंट्रीज में घूम चुकी हूँ डीएक्सएन से ही, इतना पैसे के कहीं जाती तो पॉकेट में हाथ ही नहीं डालती, घूमती दे रही थी कि उसको डाल पॉकेट में, फ्लाइट 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी डब्बे में डाल दिए, नहीं बहुत अच्छा ट्रीट होता है मेरे साथ में। तो मैं जाते हैं रूम में थी कल मैं उधर गोरखपुर में, तो अच्छे अच्छे होटल्स में करते हैं, तो काफी अच्छा सफर रहा मेरा। हस्बैंड के देहांत के बाद थोड़ा सा दिमाग में आया बच्चों का कैसे होगा क्या होगा, लोगों ने डाला मैंने नहीं डाला, जब लोग मुझे पूछने लगे तो बोले नहीं मैं करूंगी, मेरे पास डीएक्सएन है, मैं बच्चों की पढ़ाई पूरी करूंगी। बेटा मेरा बैंगलोर में पढ़ रहा था, बेटी मलेशिया में पढ़ रही थी, मैंने कहा नहीं मैं पूरा करूंगी, मैं मांगना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी मेरा हाथ देने वाला हो, लेने वाले से अच्छा। तो कभी किसी से मांगा नहीं अभी तक, छूट अलहमदुल्ला मेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ी और आगे भी नहीं पड़े, यहाँ तक कि मैं मेरे बच्चों से भी नहीं मांगती क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है, तो मैं नहीं मांगती बच्चों से, दिए बच्चे दिए नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। तो ये मेरा सफर चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई, बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसको थोड़ा सा मुझे बहुत बड़ी रकम चाहिए थी, तो मैंने दौड़ लगाई 5 स्टार रूबी पे। 5 स्टार रूबी में कितना? 1 लाख का चेक है, 1 लाख का चेक आता है, ठीक है, और उसके अलावा अगर आपका ग्रुप काम करा है तो वो भी आता है। तो उस वक्त मुझे 2,50,000 रूपीज मिल गया, जिससे मैंने बच्चों की पढ़ाई भी करा दी, बच्चों की पढ़ाई के अलावा मेरा सैलरी रूटेड जो वीजा हुआ उसके रूटेड सैलरी में 5,000 दिरहम देने पड़ते हैं, वो मैंने अभी तक रूटेड हो रहे हैं, तो वो मेरे पास पैसे आ गए क्योंकि मैंने चाहती थी मांगू किसी से। कंपनी वालों ने कहा आपको चाहिए तो हम इंडिया में घर लेके देते, आप बच्चों को लेकर वहां जाऊंगी, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, मैं यहीं रहूंगी, यहीं से उनके लिए कुछ करूंगी।
छोटा-छोटा करते रही करते रही। हस्बैंड ने घर जगह लिया बॉम्बे पुणे हाईवे खपोली में, पहाड़ के ऊपर है, ऊंचाई पे है। ये लोग आ चुके हैं, जिनको बुलाते वो नहीं आते। ये लोग आ चुके हैं मेरे घर पे खपोली में, बॉम्बे पुणे हाईवे पे ऊंचाई पे 400 बंगलोज बने हुए एनआरआई के लिए, अमेरिका यूरोप वगैरह से सब लोगों ने बुकिंग किया है। वहां पर मेरा भी एक छोटा सा बंगलो है 4 बेडरूम का, तो ये मेरा बंगलो है। मेरी बेटी की मेहंदी का प्रोग्राम मेरी किया था, झूला बनाया था, और ऊपर 2 बेडरूम है, नीचे बेडरूम और हॉल है, किचन है, बहुत अच्छा। पीछे पपैये के पेड़ लगे हुए है, बहुत मीठे इतने बड़े बड़े, ठीक है। तो ये मेरा एक ड्रीम था, ड्रीम सबका होता है, जैसे डॉक्टर लिम का ड्रीम था वैसे मेरा भी ड्रीम था, तो मैंने भी अपना सब करवा लिया। 2020 में बेटी की शादी हो गई, जनवरी में बेटी दामाद, और फरवरी में बेटे की शादी भी और बहू, और ये अफकोर्स मैं हूँ बीच में खड़ी, ठीक है। वो लोग से दुखी मैं लग रही हूँ ना। बेटी साथ में चलती तो सब बोलते बहन कहाँ से कब आई, क्या हुआ, ऐसा होता है। तो ये मेरी फैमिली है, फैमिली पूरी होने के बाद भी और इच्छा होती और कुछ करे, और कुछ करे तो और क्या करे, और करने के लिए ये जरूरी है। तो ये मेरा परिवार है, मेरी बेटी की बेटी है, दुआ करो बेटे को भी बच्चा हो जाए, ताकि मैं दादी भी हो जाऊँ। और ये मेरी मेरी स्टोरी, मैंने बहुत फास्ट और शॉर्टली आप लोगों को बताया, और आज मैं इसी की बिना पे आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ। और मैंने चाहती कि मेरी जैसे आप लोगों से कुछ ये पढ़े, लेकिन आज की औरत को हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना जरूरी है। अगर दोनों कमाएंगे तो आपका गाड़ी का पहिया अच्छा चलेगा, आपका घर अच्छा चलेगा, आप बच्चों की परवरिश अच्छी कर सकते हो, और हमारे बाद अगर हमारा ये रहेगा तो हमारे बच्चों को भी मिलेगा, सही है। तो ये सोच के हमको काम करना है, ये सोच के मत करो कि हम अपने लिए कर रहे हैं, आपको लोगों के, आप अपने नीचे वालों को देख के चलो, नीचे वालों को लेके जाओगे तो आपका बिजनेस भी ऊपर ग्रो होगा, ठीक है। तो ये रहा, ये मेरा कार्ड है, यूट्यूब चैनल रोशन आरस थेरेपी, इस पे जाके आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं।